उन लोगों को अपनी स्टोरी बताना चाहोगे कि कैसे आपके लाइफ स्वयं सहायता समूह को ज्वाइन करने से पहले थी और क्या क्या चेंजेस आए जिन ज्वाइन करने के बाद? आप एक तो देखो, पहले तो हमें ग्रुप, जैसे ग्रुप बनाए हमें, तो हमें पता ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था कि ग्रुप क्या चीज़ होती है, तो और ना ही हमें बैंकों से कोई लेन देन का पता था, ना लेडीज़ ग्रुप में महिला जाती थी बैंक में। फिर उसके बाद जो है, जब हम ग्रुप में जुड़े, तो ग्रुप के जुड़ने के बावजूद जो हम बैंकों से लिंकेज हुए, बैंक में आना जाना खुला और बैंक वालों से जान पहचान हुई। और फिर स्टार्टिंग में जो, जब हमें इंटरलोनिंग किया जाता है, मैं एक सेफ संस्था में, एनजीओ में काम करती थी, उसमें मैं सुपरवाइज़र थी, एक ग्रामर्थ सेफ संस्था थी उसमें, तो हमें जो है बैंक वाले बोला बाहर जाओ, ग्रुप वाले नहीं आएंगे अंदर। तो ठीक है, हमने बोला भाई हमको नवाड वालों ने हमारे ग्रुप से बनाए हैं लेडीज़ों के, तो आप हमें बार, हमने नवाड वालों को फ़ोन किया और सर हमें तो बैठने भी नहीं दे रहे अंदर, तो ग्रुप की महिलाओं को तो बाहर निकाल दिया। आप बोलते हैं कि बैंक में जाओ, इंटरलोनिंग करो, ये करो वो करो, तो हमें तो अंदर घुसने भी नहीं दे रहे। जब हमने नवाड वालों से बोला तब तो हमें चेयरें भी मिली, हमारी अच्छी रिस्पेक्ट भी हुई और सब महिलाओं को अच्छा लगा कि हमें जो ग्रुप से जुड़ी और हमें बैंक से बिना इसके फॉर्मेलिटी के जो है लोन दिया जाता है, और हमने दो दो तीन तीन लाख रुपए लोन लिया, उससे अपना कारोबार चलाया और अपनी ये गैस ली, चूल्हे लिए, जो भी सामान है हमारा, तो हमें अच्छा रोज़गार मिल रहा है इससे, और हमारी महिलाएं जो है अच्छा काम कर रही हैं। और उसमें अचार हमारे जो, हमें जो ये ट्रेनिंग दी गई स्टार्टिंग में, हमने बोला ठीक है ग्रुप तो बना लिए, पैसा भी इंटरलोनिंग भी कर रहे, हम इस पैसे को वापस कैसे करोगे? अच्छा, तो इसलिए हमें कोई ऐसी चीज़, ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि जिससे हम अपना उस पैसे को वापस भी कर सके और हमें रोज़गार भी मिले महिलाओं, तो इसलिए हमने ये स्टॉल लगाए। तो हमें, हमने बोला हमको जो है डॉक्टर चंद्रकांता के वी के कृषि विज्ञान केंद्र बजौरा में, जो हमारे डॉक्टर चंद्रकांता जी ओम साइंस के हैं, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, तो हमें एक महीने की ट्रेनिंग अचार चटनी की दी और एक साथ में मल्टीग्रेन आटे की पूरी दी, और हमने जो है सिड्डू बनाने तैयार किए, हमें तो खाने भी नहीं आते मंडी वाला। और स्टार्टिंग में जब भी ये जो शेरी मंच लगा 2007-08 की बात है, तो मैं 10 रुपये का सिड्डू बेचती थी। अच्छा, किल्टे में लाके, सब महिलाओं को पता है कि मंडी में कोई सिड्डू नहीं बेचता था, और मैं सिड्डू 10 रुपये से स्टार्ट किया था, आज 50 और 60 रुपये का सिड्डू बेच रहे हैं, और आज इतनी सारी महिला हो गई है कि किसी को भी बारी नहीं है। और इतनी इन हम महिलाओं का रोजगार भी है, और मैं लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो हमें, हमारे पास आते हैं खाते हैं, और DRDA वालों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें यहाँ इतना जागरूक कराया महिलाओं को, और यहाँ बैठने के लिए उस टाइम जगह दी। अब तो नगर निगम भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है, तो नगर निगम वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बिठाया और अच्छी लाइनों पर बिठाया, और अच्छा अरेंजमेंट है नगर निगम वालों का, और पूरी निगरानी करते हैं नगर निगम वाले। एक्चुअली मेरी 2010 में शादी हुई थी, तो उससे 2010 से 2015 के बीच के जर्नी ऐसी थी कि ना कोई काम था, ना कोई पहचान थी, पर जब 2015 में मेरा समूह बना NVLM के तहत, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना, उसके तहत मेरा समूह बना 2015 में। उसके बाद हमने धीरे धीरे, जैसे इंटरलोनिंग की लोन लिया, उसके बाद हमने धीरे धीरे उठे, काम अपना बढ़ाया, आज ऐसा कि हर एक तीसरा बंदा मुझे पहचानता है, मुझे जानता है, उसमें एक रोल मीडिया का भी रहता है। अभी हम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कहीं पे स्टॉल लगाया, कहीं पे कुछ भी कार्य किया, तो हमें भरपूर सहयोग मिलता है सभी का, भी आप हमें ऐसे प्यार देते रहे और हमें ऐसे प्रोत्साहन करते रहे। मैं 2021 में समूह में जुड़ी थी ना, और फिर उससे पहले मैं सोचती थी कि लेडीज ऐसे काम करती है तो कैसे करती होगी, मतलब सोच लेके चली थी। फिर मैं 2021 में समूह में जुड़ी, उससे पहले तो मेरी ना तो मैं किसी को जानती थी, हम घर पर रहते थे, घर पर थोड़ा बहुत काम करते थे, ऐसे अचार वगैरह बनाते थे। फिर उसके बाद समूह में जुड़ने के बाद हमारी जान पहचान हुई, फिर यहाँ शेरी मंच पर स्टॉल लगा सरकार की तरफ से, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं NRLM का, जिसके तहत हम इतने सशक्त बने हैं और आगे बढ़ने की भी इच्छा रखते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा हुआ समूह में जुड़ने के बाद, उससे पहले तो हमारा मतलब ना कुछ पैसे का भी पता नहीं था, कैसे कमाते हैं, कैसे इनकम जनरेट करते हैं, फिर उसके बाद तो बहुत ही। बाकी महिलाओं को क्या बोलना चाहेंगे आप? बाकी महिलाओं को मैं यही बोलना चाहूँगी कि कुछ ना कुछ अपना छोटा मोटा ऐसा काम करते रहें, मतलब यही बोलना चाहती हूँ मैं, और समूह में जुड़े, उससे जुड़ने के बाद बहुत ही फायदे होते हैं। तो हम घर बेले बैठे थे, परिवार मतलब परिवार की सेवा करते थे, बच्चों की सेवा करते थे, अब सहायता समूह के साथ जोड़ के तो हम, आप खुद ही देख लो बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है,
इसके जो के हम जो अपना काम का जो भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोगों ने जब समूह बनाए थे तो मेरी मम्मी जी बोलते रहते थे घर में, देख हम भी काम करते हैं, हम भी मतलब हमारा भी सिद्धू का एक स्टॉल होता, उनको बड़ा शौक था। तो मैंने बोला क्यों ना मम्मी ये शौक पूरा ही कर लेते हैं। मंडी की औरतों के लिए सभी, आज देखो सभी महिलाओं के स्टॉल लगे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, है ना, सारा कुछ हैंडमेड होता है, सारा कुछ स्वेटर है, अचार है, बढ़िया है, सबका अपना अपना घर गृहस्थी चली हुई है।